हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लासिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th की बुक साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पर पहले अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। सो आइए पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये सबको पता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। दे मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अपना फूड वो किसमें बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो मेनली फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। उसे ही, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब देखते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? हमने पहले भी देखा किस किस के प्रेजेंस में बनाएंगे, सनलाइट एंड क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके। इन सब की ये कंडीशंस नेसेसरी होती है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो फोर कंडीशंस कौन कौन सी नेसेसरी है? फर्स्टली सनलाइट, सेकेंड क्लोरोफिल, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वाटर। अब इसकी हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की। 6CO2 plus 6H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के 6-6 मॉलिक्यूल्स, अगर हम उनको सनलाइट और क्लोरोफिल उसमें दे दें तो वो बनता है ग्लूकोज, जो कि है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज प्लस 6O2, O2 यानी कि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। सबसे पहली बात, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो प्लांट की ग्रीन लीव्स में होता है। इसलिए ही जो फोटोसिंथेसिस होता है वो केवल ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो फूड होता है ग्रीन लीव्स के द्वारा जो बनाया जाता है वो किसकी फॉर्म में बनाया जाता है? सिंपल शुगर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। The extra glucose is changed into another food. जो extra glucose होता है वो change हो जाता है दूसरा food में, जिसको हम बोलते हैं starch, यानी कि carbohydrate. अब जो ये starch होता है, ये carbohydrate होता है, वो store हो जाता है fruits और leaves में, plant की fruits और leaves में। और जो plants हैं ये ही food किसको दे देते हैं? animals को, human beings को। ये the green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अब क्या करते हैं? सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट बना के। सो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स को कैसे मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स ऑफ अ प्लांट। अगर आप प्लांट्स की लीव्स के सरफेस को देखोगे तो कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो लार्ज नंबर में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीव्स ऑफ अ प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है लीव्स में वो किसके थ्रू होती है? वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर होती है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं। क्या होता है स्टोमेटा? टाइनी पोर्स होते हैं। Each stomatal pore is surrounded by a pair of guard cells. जो stomatal pore होता है वो जो एक हर एक stomatal pore surround होता है कुछ guard cells के pair से। The opening and closing of stomatal pores is controlled by the guard cells. और जो opening और closing होती है stomatal pores की वो कौन control करता है? वो control करते हैं guard cells. When water flows into the guard cell. जब वाटर फ्लो होता है गार्ड सेल में तो वो क्या होते हैं? वो स्वेल हो जाते हैं, यानी कि वो फूल जाते हैं एंड बिकम कर्व्ड एंड कोज द पोर टू ओपन। और जब उनमें वाटर फ्लो होता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं,
बिकम कर्व्ड, और कर्व्स बन जाते हैं, और क्या कहते हैं वो, पोर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें पानी अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है। ऑन द अदर हैंड जबकि जब गार्ड सेल्स में से क्या होता है, पानी बाहर आता है, तो क्या करेंगे, वो श्रिंक करेंगे, सिकुड़ जाएंगे, और वो क्या करते हैं, स्ट्रेट बन जाता है, और जो स्टोमेटल पोर होता है वो क्लोज हो जाता है। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब वाटर की भी बात है कि वाटर कैसे ले, अब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स वाटर कैसे ले। द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो वाटर होता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है, वो रूट के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल में से। कौन से प्रोसेस के दौरान, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है इसमें। द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लीव्स वेयर इट रीचेस द फोटोसिंथेटिक सेल्स। जो वाटर होता है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लिया रूट्स ने, तो अब वो ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर, ऊपर के दौरान किसके किसकी वजह से होता है, थ्रू द जाइलम वेसल्स, कहाँ तक होता है, लीव्स तक, जब वो पहुंच जाता है फोटोसिंथेटिक सेल्स तक। द प्लांट ऑल्सो नीड अदर रॉ मेटल्स मटीरियल्स। कुछ प्लांट्स जो कुछ और रॉ मटीरियल्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। अपनी बॉडी को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए कुछ और रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। प्लांट दे दीज मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल। अभी मटेरियल्स आते कहाँ से हैं, ये सॉइल से ही सब कुछ मटेरियल्स आते हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज बाय द प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है जो यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा प्रोटीन्स बनाने के लिए और कुछ अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए, जो कि नेसेसरी होते हैं प्लांट को जीने के लिए, प्लांट को लीव करने के लिए और उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। अब देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ द लीव इज क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन क्लोरोफिल। साइट क्या है हमारी सेल लीफ में, क्लोरोप्लास्ट है जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट आर मेनली प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक सेल्स में, ग्रीन प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक सेल्स में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। दिस सेल्स कंटेन मोर क्लोरोफिल देन अदर प्लांट सेल्स। यही सेल्स कंटेन करते हैं ज्यादा क्लोरोफिल किसी और अदर प्लांट से। कौन से प्लांट, ग्रीन प्लांट ज्यादा कंटेन करते हैं, इसी वजह से उनमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाती है। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो पाती है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स अबाउट द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।